के बिना नहीं कर सकता सर्वाइव। किस तरह से पॉलीगन हेल्पफुल है इथेरियम के लिए, बात करेंगे इसकी आज इस वीडियो में। तो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिनस्ट्रेट पे, जहां आपको मिलती है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्रिप्टो से जुड़ी हुई। तो आज इस इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, एंड अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, न्यू आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, एंड साथ ही बेल आइकन को भी कर लीजिए प्रेस ऐसे ही फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा हीरो है, मेन हीरो है, वो है पॉलीगन, क्योंकि पॉलीगन के बिना इथेरियम नहीं कर सकता सर्वाइव। लेकिन ऐसा क्यों, तो वो हम जानेंगे आज इस वीडियो के अंदर, की जो पॉलीगन है वो किस तरह से हेल्पफुल है, किस तरह से उसने इथेरियम के जो इकोसिस्टम है और कितना बड़ा इसने योगदान दिया है। तो पॉलीगन की बात करें, जिसे पहले मैटिक नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता था, ये फर्स्ट वेल स्ट्रक्चर्ड इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है इथेरियम स्केलिंग के लिए भी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी। तो इसका जो कोर कंपोनेंट है वो है पॉलीगन SDK, ए मॉड्यूलेटर, जो कि एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है जो सपोर्ट करता है बिल्ड करने में मल्टीपल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस को। तो पॉलीगन के यूज से कोई हम क्रिएट कर सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक रोलअप चेन्स, ZK रोलअप चेन्स, स्टैंड अलोन चेन्स और किसी भी तरह के दूसरे जो इंफ्रा रिक्वायर्ड होते हैं डेवलपर्स के द्वारा, उन चीजों को, उन चेन्स को हम कर सकते हैं बिल्ड। तो बात करें पॉलीगन किस तरह से हेल्पफुल है इथेरियम के लिए, इथेरियम क्यों नहीं कर सकता सर्वाइव। तो पॉलीगन देखिए इफेक्टिवली इसने ट्रांसफॉर्म किया है इथेरियम को एक फुल फ्लेज्ड मल्टी चेन सिस्टम में, जिसे इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन्स भी कहा जाता है। एंड ये जो मल्टी चेन सिस्टम है ये बिल्कुल सिमिलर है एक दूसरे से, यानी कि अदर वन से, जैसे कि पोलकाडॉट, कॉस्मोस, एवलांच, ETC। तो इसके साथ ही इस एडवांटेज के साथ भी ये सिमिलर है कि जो इथेरियम की सिक्योरिटी में हेल्पफुल है एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम में हेल्पफुल है एंड ओपननेस में हेल्पफुल है। यानी कि देखिए जो पॉलीगन है इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा हाथ रहा है इथेरियम को टिकाने में, इथेरियम को उसके जो मेन लक्ष्य है उसको हासिल करवाने में। इसका जो डॉलर मैटिक टोकन है वो लगातार एग्जिस्ट भी करेगा एंड एक बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है, जिसकी जो इम्पोर्टेंस है वो दिन प्रतिदिन और भी बढ़ती जा रही है, जिससे क्या होता है ये सारे सिस्टम को सिक्योर रखा जाता है एंड गवर्नेंस को इनेबल किया जाता है। तो अब पॉलीगन की अगर और बात करें, इसके जितने यूज केसेस, जितने बेनिफिट्स की बात की जाए उतनी कम है। पॉलीगन जिसे फॉर्मरली मैटिक नेटवर्क कहा जाता था, ये एक लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन है जो बैक्ड है बाइनांस एंड कॉइनबेस के द्वारा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये ऐसे अपॉर्चुनिटीज को देख रहा है जिससे ये क्रिप्टो करेंसीज को बहुत आगे तक लेके जाए, क्रिप्टो करेंसीज को एक मास अडॉप्शन प्रोवाइड करे, इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहा है जिसके चलते ये क्रिप्टो करेंसीज को एक बहुत हाई लेवल तक पहुंचा सके, एक मास अडॉप्शन तक पहुंचा सके। इसकी जो प्रॉब्लम्स है, स्केलेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स जो आती हैं बहुत सारी ब्लॉकचेन्स के अंदर, इन प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करके, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, एंड पॉलीगन का बहुत बड़ा हाथ है ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो पॉलीगन जो है ये कंबाइन करता है प्लाज्मा फ्रेमवर्क को एंड प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर को। और ये जो प्लाज्मा फ्रेमवर्क है ये यूज होता है पॉलीगन के द्वारा एज प्रपोज्ड बाय को फाउंडर ऑफ इथेरियम, यानी इथेरियम के जो को फाउंडर है विटालिक बुटेरिन, उनके द्वारा इसे यूज किया जाता है, जिससे अलो किया जाता है ताकि इजी एग्जीक्यूशन की जा सके स्केलेबल एंड ऑटोनोमस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। अब आप पूछेंगे पॉलीगन में आखिर ऐसा खास क्या है कि ये इथेरियम जैसी बड़ी क्रिप्टो करेंसी को भी हैंडल करने में इतनी ज्यादा हेल्पफुल है। तो पॉलीगन बोस्ट करती है 65,000 ट्रांजेक्शन को ये पर सेकंड्स में कर लेती है, वो भी सिंगल साइड चेन में। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। इसके साथ ही इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, ये ब्लॉक कंफर्मेशन को भी इसका जो टाइम लेती है वो 2 सेकंड से भी कम का टाइम लेती है इन ट्रांजेक्शन को कन्फर्म करने में। तो पॉलीगन के अब ये बात सुनकर तो हमें यकीन हो ही गया है कि ये इथेरियम को किस तरह से हैंडल करती है। तो पॉलीगन के बिना इथेरियम का गुजारा होना बिल्कुल मुश्किल है। ये अट्रैक्ट करता है मोर देन 50 डैप्स को अपने POS सिक्योर्ड इथेरियम साइड चेन के साथ। जी हाँ, जितने इसके यूज केसेस हैं उसके साथ बहुत सारे जो यूजर्स हैं वो इथेरियम से ज्यादा पॉलीगन की ओर अट्रैक्ट हुए हैं, क्योंकि इसके यूज केसेस ही इतने सारे हैं। तो मैटिक जो कि इसका पॉलीगन का नेटिव टोकन है, ये एक ERC20 टोकन है जो इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है, इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर रन होता है। एंड ये जो टोकन है इन्हें यूज किया जाता है पेमेंट सर्विसेज के लिए पॉलीगन के ऊपर एंड एज अ सेटलमेंट करेंसी के लिए भी, जो यूजर्स के बिटवीन होती है, जो ऑपरेट करते हैं विद इन द पॉलीगन इको सिस्टम में। और तो और एक और बात अगर मैं पॉलीगन की आपको बताऊं तो वो ये है कि जो ट्रांजेक्शन फीस होती है पॉलीगन के ऊपर, इसकी पॉलीगन साइड चेन्स के ऊपर,
वो भी मैटिक टोकन में ही पे की जाती है। एंड ये ट्रांजेक्शन फीस में भी काफी हेल्पफुल है, ट्रांजेक्शन फीस इसमें कम लगती है, स्पीडी ये ट्रांजेक्शन करता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फेमस एंड पॉपुलर है और इथीरियम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। अब थोड़ी सी इसके फाउंडर्स के बारे में भी जान ही लेते हैं। अगर हम जान ही रहे हैं पॉलीगन के इतने सारे यूज केसेस जो इथीरियम के लिए यूजफुल है, तो पॉलीगन जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसे मैटिक नेटवर्क कहा जाता है, ये लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2017 में। एंड पॉलीगन को फाउंड करने वाले जो पर्सन है उनका नाम था जयंती कनानी, संदीप नेलवाल एंड अनुराग अर्जुन। और इनमें से जो दो हैं, दो फाउंडर्स हैं, वो एक्सपीरियंस्ड हैं ब्लॉकचेन डेवलपर्स में एंड एक जो है वो है बिजनेस कंसल्टेंट। तो अपने नेटवर्क में मूव करने से पहले 2019 में जो पॉलीगन की टीम है उन्होंने एक बहुत बड़ा ह्यूज कंट्रीब्यूशन दिया है इथीरियम के इकोसिस्टम में। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इथीरियम सर्वाइव ही नहीं कर सकता है पॉलीगन के बिना, तो ये रीजंस कुछ हैं इसके। तो ये जो टीम है इन्होंने काम किया है इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लाज्मा एमवीपी को, जो कि वॉलेट कनेक्ट प्रोटोकॉल है एंड वाइडली यूज किया जाता है डैगर इवेंट नोटिफिकेशन इंजन के लिए इथीरियम के ऊपर। तो आप खुद ही देख लीजिए कि जो इथीरियम है वो किस तरह से, अगर पॉलीगन ना होता तो इथीरियम का क्या हाल होता। तो जयंती जो कि एक इंटीग्रल रोल प्ले करते हैं इम्प्लीमेंट करने में वेब थ्री को, जो कि प्लाज्मा एंड वॉलेट कनेक्ट प्रोटोकॉल है इथीरियम के ऊपर, इनमें इनका काफी ज्यादा इस फाउंडर का जो है वो रोल प्ले रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो पॉलीगन अपने आप में ही बाकियों से बहुत ज्यादा यूनिक है, बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि जो साइड चेन्स है पॉलीगन की वो स्ट्रक्चरली इस तरह से इनको डिजाइन किया गया है ताकि ये सपोर्ट कर सके वैरायटी ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, यानी कि डीफाई प्रोटोकॉल जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है जो अवेलेबल है इथीरियम इकोसिस्टम के अंदर। अगेन इथीरियम इकोसिस्टम में इसका कितना बड़ा रोल रहा है इस चीज को लेकर के भी वो भी आप देख सकते हैं। तो जब पॉलीगन जो है वो अभी करंटली सपोर्ट कर रहा है सिर्फ इथीरियम की बेस चेन को, तो ये जो नेटवर्क है ये और ज्यादा आगे एक्सटेंड होगा, जिसके कारण ये चाहता भी ऐसा, इसका एम भी है कि ये और भी ज्यादा एडिशनल बेस चेन्स को इथीरियम के साथ साथ दूसरे जो बेस चेन्स है उनको भी ये सपोर्ट करे जो कम्युनिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं, कम्युनिटी सजेशंस के ऊपर बेस्ड हों एंड कंसेंसस के ऊपर बेस्ड हों। तो इससे क्या होगा, एक पॉलीगन जो है ये एक इंटर ऑपरेबल डिसेंट्रलाइज्ड लेयर 2 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बन जाएगा, जो कि इसका एम भी है। तो क्या आपने पॉलीगन मैटिक के लंदन हार्ड फोर्क एंड EIP-1559 अपग्रेड का नाम सुना है? नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में भी थोड़ा आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसका भी थोड़ा रोल इथीरियम के अंदर जाता है पॉलीगन का। तो पॉलीगन ने अनाउंस किया था मच एंटीसिपेटेड लंदन हार्ड फोर्क को एंड इथीरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल, यानी EIP-1559 अपग्रेड को, जो कि लाइव गया था मेननेट के ऊपर January 18, 2022 को, यानी कि इसी साल की स्टार्टिंग में, पहले ही मंथ जनवरी में। तो ये जो अपग्रेड था ये कम्प्लीटली इसने चेंज कर दिया था एक तरीका फीस मैकेनिज्म का, जो कि काम करता है इथीरियम नेटवर्क के ऊपर। तो अगेन जो भी फीस का काम है, जिस तरह से ये मैकेनिज्म काम करता है इथीरियम नेटवर्क के ऊपर, उसमें भी पॉलीगन का काफी बड़ा हाथ है, काफी बड़ा योगदान है। तो बात करें पॉलीगन नेटवर्क की सिक्योरिटी की, कि ये सिक्योर कैसे है आखिर, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये सिक्योर है तभी इथीरियम में ये इतना बड़ा अपना रोल जो है वो प्ले कर पा रहा है। तो एक लेयर 2 सॉल्यूशन होने के नाते जो यूटिलाइज होता है नेटवर्क के प्रूफ ऑफ स्टेक वैलिडेटर्स के लिए, एसेट सिक्योरिटी के लिए, तो इसमें जो स्टेकिंग है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलीगन के इकोसिस्टम का। यानी कि जो वैलिडेटर्स होते हैं इस नेटवर्क के अंदर, वो अगर स्टेक करते हैं अपने मैटिक टोकन्स को, तो वो इसको कर सकते हैं एज कोलेट्रल, जिसके बाद क्या होता है, अगर वो कोलेट्रल इसको स्टेक करते हैं तो ये नेटवर्क का एक पार्ट बन जाते हैं, एक हिस्सा बन जाते हैं इस नेटवर्क के, जो POS कंसेंसस मैकेनिज्म है उसका एक पार्ट बन जाते हैं। एंड इसके बदले में उनको मिलता क्या है, उनको मैटिक टोकन्स रिसीव होते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इसका अभी लाइव प्राइस क्या चल रहा होगा, क्योंकि इतने सारे इसके यूज केसेस हैं, इतना बड़ा इसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इथीरियम इकोसिस्टम में, तो लाइव प्राइस जो डेटा है वो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसमें आप देख सकते हैं कितना इसका प्राइस अभी चल रहा है, क्या इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम रही है, 7 डेज में कितना इसने ट्रेड किया है, ये सारी जो परफॉर्मेंस है इस नेटवर्क की वो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं लाइव प्राइस चार्ट में। तो अब इतने सारे फायदे इसके जानने के बाद और इसका जो पोटेंशियल है वो जानने के बाद, कि इसकी वजह से जो इथीरियम है वो कैसे सर्वाइव कर पा रहा है, इतने सारे इसके एडवांटेज जानने के बाद, जो इथीरियम जो कि एक सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है, एंड उसमें भी पॉलीगन का हाथ है, और कितना बड़ा हाथ है ये तो हमने सुन ही लिया।
तो अब आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर यार इसको कैसे बाय करें, इसको कैसे परचेज करें, तो डोंट वरी, वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको किस तरह से और कहाँ से परचेज कर सकते हैं, कहाँ से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले तो एक ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इथीरियम इकोसिस्टम की डेवलपमेंट में। तो ये जो मैटिक है ये पॉपुलर है बहुत सारे ऑनलाइन एक्सचेंजेस के ऊपर जो कि फोकस करते हैं डीफाई में। तो अभी टॉप एक्सचेंजेस मैं आपको बता देती हूँ जहां से आप इसे बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं एंड ट्रेड कर सकते हैं मैटिक में करंटली। एंड इन प्लेटफॉर्म्स के नाम है बाइनांस, कॉइनबेस, प्रो, हुओबी ग्लोबल, एफटीएक्स, कुकॉइन। तो ये थे कुछ प्लेटफॉर्म्स जहां से जाके आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज इन्फॉर्मेशन। ये थी पॉलीगन के बारे में एक जानकारी, हमने जाना कि किस तरह से जो पॉलीगन है उसका कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इथीरियम के इकोसिस्टम के ऊपर, इथीरियम किस तरह से पॉलीगन के साथ मिलकर ही सर्वाइव कर पा रहा है। अगर पॉलीगन नहीं होता तो इतने सारे यूज केसेस जो अभी हमने सुने हैं वो हमें सुनने को नहीं मिलते, इथीरियम के ऊपर इतने सारे यूज केसेस उसके देखने को नहीं मिलते, कहीं ना कहीं इथीरियम अधूरा रहता पॉलीगन के बिना। तो अब आई होप आपको जो ये इन्फॉर्मेशन है ये अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। ऐसे ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल फिनस्ट्रीम पे। स्टे ट्यून्ड।